तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज मैं जो टॉपिक लेके आया है दैट इज योर एक्सेप्शंस इन पाइथन। एक्सेप्शंस इन पाइथन क्यों यूज कर दिए हैं असी इन एक्सेप्शंस नूं एंड व्हाई दीज एक्सेप्शंस आर रिक्वायर्ड इन पाइथन। ऐसा नूं पाइथन एक्सेप्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों होंदी है और एक्सेप्शंस है की, एक्सेप्शंस है की। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ That is an error. वो एक error generate कर रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं? उस error नू remove करते हैं, correct करते हैं। उस तो बाद ऐसे program में दोबारा run करने की कोशिश करते हैं। अगर तो error correct हो गया, थोड़ा program run हो जाएगा। अगर थोड़ा error correct नहीं हुआ, तो हम दोबारा check करना पड़ेगा। तो एरर क्यों करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश। सच काइंड ऑफ एरर्स आर बीइंग कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर्स। इस चीज को बड़े नोट ध्यान से नोट करना। सच काइंड ऑफ एरर्स जितना तुमने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर होगी, तुम कोई टेंस किसी जगह पे प्रेजेंट टेंस से लिखना तो उसी जगह पास्ट टेंस से ले आ जाओगे। That becomes a grammatical error. Yeah, suppose computer the spelling C-O-P-U-T-E-R likhunge. That is a error. Spelling error. So such kind of errors are being called as syntax error. Or syntax errors, O errors hai, jeda program mein, program de syntax de vich. अगर फॉर स्टेटमेंट तो बाद में कॉलन लगाना है, अगर तुसी पाइथन जो कॉलन नहीं लगाओगे तो तुहाडा पाइथन का इंटरप्रेटर तुहानू आइडल तुहानू एरर जनरेट करेगा। सच काइंड ऑफ एरर्स आर बीइंग कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर्स। और असी इन्हां नूं सिंटैक्स एरर इसलिए करने हैं क्योंकि यह तुहाडे उस लैंग्वेज से जो सिंटैक्स स्पेसिफाइड है उसनू फॉलो। बिफोर कमिंग टू एक्सेप्शन मैं एरर से गल कर पाइथन दे विच दो पॉइंट है। एक ता सिंटैक्स एरर है, दूसरे तुहाडे एरर है दैट आर बीइंग कॉल्ड एज एक्सेप्शन। सिंटैक्स एरर मैं तुहाडे नाल हुणे डिस्कस कीते है बट सिंटैक्स एरर है। अगर तुम मैं डिफाइन करने की गल करोगे तो मैं कहूंगा सिंटैक्स एरर्स आर दोज एरर्स दैट अकर ड्यू टू एनी करेक्शन एनी इनकरेक्ट सिंटैक्स दैट इज मेंशनड बाय द प्रोग्रामर इन द प्रोग्राम। जिहड़ा प्रोग्रामर है उस प्रोग्राम दे विच अगर किसी भी स्टेटमेंट का करेक्ट सिंटैक्स नहीं लिखता एंड दैट विल रिजल्ट इनटू एन एरर। फॉर एग्जांपल प्रिंट स्टेटमेंट दे विच असीं लिखने पी आर आई एन टी, तुसीं पी आर एन टी लिख दोगे दैट इज इनकरेक्ट। पाइथन उसनों रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। पाइथन स्मॉल केस दे विच पी आर आई एन टी नूं रिकॉग्नाइज करेगा, उस तों बाद ब्रैकेट विच वेरिएबल दा नाम जो प्रॉपर वे है। अगर तुसी प्रॉपर वे दे विच प्रॉपर सिंटैक्स दे विच किसी चीज़ नूं लिखोगे देन सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स डू नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ एरर्स। और अगर तुसी सिंटैक्स प्रॉपर नहीं लिखोगे सच प्रोग्राम्स जनरेट एरर्स एंड एन एरर्स नूं असीं सिंटैक्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਵਾ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਓਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਬਾਈ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਪੂਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੋਡ ਮਤਲਬ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਦੈਟ ਪਾਇਲਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਦੈਟ ਇਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 90 ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿਦਆਊਟ ਡਰਾਈਵਰ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਰਾਈਵਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਦਆਊਟ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਏਅਰਪਲੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰਨ ਹੋ। ਸੋ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰਨ ਕਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ ਪਾਈ। ਪਾਈਥਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ ਵਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੰਟੈਕਸਲੀ ਕਰੈਕਟ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਟੋਟਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਊ ਟੂ ਵਨ ਔਰ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ ਵਾਈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ ਜ਼ੀਰੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਕਾਲਡ ਐਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। 1 divided by 0, 2 divided by 0, 3 divided by 0, कोई भी value अगर उसको 0 नो डिवाइड कर देंगे, that becomes, result becomes infinite. और aircraft running के दौरान किसी भी reason करके अगर denominator की value 0 हो जाती है और z becomes equal to infinite, ऐसा मतलब थोड़ा aircraft infinite loop चला गया। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੂਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਂਗ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜਨ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰੂਸ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ
अगर एडे वड़ा लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, ऐसी ऑटोमेशन का कोई फायदा? सच काइंड ऑफ ऑटोमेशन होल्ड्स नो सिग्निफिकेंस अगर एदर द ऑटोमेशन दे विच एदर द एरर। सो इन्हां सारियां कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करो, मे बी एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर है, और बड़े क्रूशल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऐसा भी कोई भी पॉसिबिलिटीज को रिमूव करने में वी हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन। सिंटैक्स एरर अलग थी, सिंटैक्स एरर होगा तो प्रोग्राम चलेगा ही, लेकिन चलते प्रोग्राम में विच जिधर जिधर सिंटैक्स टोटली करेक्ट है, जिधर सिमेंटिक्स टोटली करेक्ट है, अगर चलता प्रोग्राम किसी कारण करके कोई एरर जनरेट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल दूँ, बहुत बड़ी एग्जाम्पल सुनिए, कई तरह के एग्जाम्पल्स मैं आगे तौर पर लूंगा। चलता प्रोग्राम अगर किसी कारण एरर जनरेट कर दे और वो एरर तुम्हारे प्रोग्राम में हैंग कर दे, ऐसा दे एरर प्रोग्राम के बीच ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए है दैट प्रोग्राम शुड हैंडल सच काइंड ऑफ एरर ऑटो। जदों रनिंग प्रोग्राम दे विच कोई इदा दे रीजन करके एरर आंदा है, सच काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन दे विच एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन्स होंदे है, वो लाइंस ऑफ कोड होंदी है, अगर इदा दा कोई भी एक्सेप्शन आंदी है तो वो सॉफ्टवेयर उस लाइंस ऑफ कोड उस प्रॉब्लम को हैंडल करदे है, सो दैट इनफाइनाइट वैल्यू ना आए, तुम्हारा एयरक्राफ्ट नॉर्मल ऑपरेशन करता है। सो दिस इज व्हाट एन एक्सेप्शन इज। एरर आर द प्रॉब्लम इन प्रोग्राम ड्यू टू विच प्रोग्राम विल स्टॉप एक्जीक्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है, तो एरर्स आए हैं प्रोग्राम के बीच, सिंटैक्स एरर है, तो प्रोग्राम में तो चल रहा ही नहीं, लेकिन चलता प्रोग्राम अगर रुक रहा है, ऐसा मतलब है वो जो एरर जनरेट होया दैट इज बीइंग कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन। ऑन द अदर हैंड एक्सेप्शंस आर रेज्ड व्हेन सम इंटरनल इवेंट अकर्स व्हिच चेंजेस द नॉर्मल फ्लो। एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा रन करता है, बड़े आराम से चल, अगर उस प्रोग्राम दे चलते 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 प्रोग्राम दे विच कोई अल्टरेशन हो जाए, कोई एरर जनरेट हो जाए, सच काइंड ऑफ एरर आर बीइंग कॉल्ड एज ठीक है। उस बाद से सिंटैक्स एरर की गल कर रहे हैं, सिंटैक्स एरर के विच कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिहड़ी प्रोग्राम दे विच किसी काइंड दे ग्रामेटिकल या उहदे सिंटैक्स एरर होंदे हैं, सच काइंड ऑफ एरर आर बीइंग कॉल्ड एज सिंटैक्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन। Important point about exceptions is that exceptions error है, yes 100% exceptions error, लेकिन ए प्रोग्राम दी रनिंग है, जरा चलो उस प्रोग्राम सक्सेसफुली तुसी एक्सीक्यूट कर चुके हो, रन कर चुके हो, चलता चलता प्रोग्राम किसी भी पॉइंट किसी भी दिन, मान लो प्रोग्राम 10 दिन से ही चल रहे हैं, 11वें दिन एरर जनरेट करता, या प्रोग्राम एक साल से ही चलता रहा, एक साल बाद उन्हें वो एरर जनरेट करता। सो एक्सेप्शंस आर एरर दैट आर रेज्ड ड्यूरिंग एक्सेप्शन टाइम। व्हेन द एरर अकर्स, जो एरर आता है, पाइथन जनरेट्स एन एक्सेप्शन दैट कैन बी हैंडल। पाइथन एक एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन जनरेट करता है, जदों भी इदा दा एरर अकर करता है पाइथन एक एक्सेप्शन जनरेट करता है, उस एक्सेप्शन दे कंटेक्स्ट दे विच कुछ लाइंस ऑफ कोड जनरेट होंदे है, और वो उस एक्सेप्शन नु उस प्रॉब्लम नु हैंडल करता है, ओदे करके तुहाडा प्रोग्राम क्रैश। Exceptions are convenient in many ways for handling errors and special conditions in the program. बहुत सारी special conditions आनी है, उन्हें handle करने के लिए exceptions use करते हैं।
When you think that you have a code which can produce an error, then we used exception handling routines. Exception handling routines jidda functions bande na, ohda aise exception handling routines vi banane. Kyon banane? Kad liye aise exception handling routines banane? Jadon tuhanu program chalda pe koi vi exception aa gayi, koi vi error aa gayi, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ 10th ਜਾਂ 12th ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਗਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ routine te chala jayega. Exceptions allow us to jump out of random illogical large chunks of code in cases of error. Agar error akkan hunda program vich internally, exceptions sanu kehndi hai, exceptions sanu provide kardi hai us portion to jump kar te hor portion te normal process. Exception allow programmers to jump an exception handler in a single step. मतलब वही बार बार सेम लाइन से लिख रहे हैं, वही चीज लिखी हुई है. एरर आया, एरर नु हैंडल करने लिए एक रूटीन है जिसको अभी फंक्शन करते हैं. सो एक्सेप्शन हैंडलर रूटीन जड़े होंगे या जो फंक्शन होंगे उन्होंने रोल की है. सब तो पहला जी भी एक्सेप्शन आई है उन्होंने उन्होंने हैंडल करना है. फिर उन्हें ईवेंट की नोटिफिकेशन भेजनी है. जिस रीजन करके एक्सेप्शन आई है उसको टर्मिनेट करना है. तो जिथे जंप करना, फ्लो ऑफ कंट्रोल उन्हें कन्वर्ट करना, जिथे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप करना है उसने वो फ्लो कंट्रोल नो एंड. लुक एट दिस प्रोग्राम. हम एक प्रोग्राम दे एग्जांपल ले रहे हैं तुम्हारे सामने. ए कोमा बी इज इक्वल टू 6 कोमा 0. ए दी वैल्यू 6 है, बी दी वैल्यू 0. G is equal to A divided by B. A 6 है, B 0 है. अगर तुम इस प्रोग्राम चलाओगे तो यह प्रोग्राम थोड़ा एरर जनरेट करेगा, रन नहीं होएगा, थोड़ा कंप्यूटर हैंग कर. उन्होंने क्या किया, असि एक वर्ड लिखता ट्राई, TRY ट्राई, उसके बाद कॉलन लिखता. जदों यह प्रोग्राम ने एक्सीक्यूट किया try तो बाद में लिखता accept zero division error, because as zero ना divide किता जा रहा है, zero division error आ गया और मैं print करता this is divided by zero. तो तब program run करेगा, the output आएगी this is divided by zero error. और यदि case में चाहिए ऐसी possible है तो उसी को जैसा पहले ही पता है that the value zero आनी है तब zero value पावांगे भी. ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਆਈਏ ਨਾ. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 2021 ਤੋਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ ਅਤੇ 2031 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ. ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਔਰ ਅਗਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਬਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ. ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਰਰ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ. ਨੋ, ਤਾਂ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ,
यू नेवर नो प्रोग्राम दे विच किस पॉइंट ऑफ टाइम से तरह का एरर जनरेट हो जाए और किस तरह का एरर जनरेट हो जाए और उस एरर नो हैंडल करने उस पर्टिकुलर एरर नो हैंडल करने साड़े को उदा दे रूटीन होने चाहिए. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जिन्ना प्रॉब्लम्स करके ए एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट आया है. और अज की डेट के जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन. नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, अगर किसी भी एक्सेप्शन को प्रोसेस करना है तो साढ़े को पांच पॉइंट्स है, एक दो तीन चार पांच. अगर तुसी जावा पढ़िए जावा दे विच ट्राई और कैच, ट्राई कैच ए सिंटैक्स चलता है. पाइथन दे विच ट्राई कैच नहीं चलता, ट्राई एक्सेप्ट दूसरा चलता है, ट्राई फाइनली तीसरा चलता है, असर्ट चौथा चलता है, रेज फिफ्थ चलता है विद स्लैश एक्स. अगर तुसी इस केस दे विच देखो ए प्रोग्राम दे विच इस फंक्शन दे विच ट्राई लिखा है उस तो बाद एक्सेप्ट लिखा है, ए सिंटैक्स है जिदा फॉर स्टेटमेंट दा व्हाइल स्टेटमेंट दा. सो ट्राई दे नाल वर्ड आएगा एक्सेप्ट, ट्राई नाल फाइनली भी आएगा. आप पांच टाइप दिया एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन्स या स्टेटमेंट्स दैट आर अवेलेबल पाइथन. हर पर्टिकुलर स्टेटमेंट का एक पर्पस है. फर्स्ट इज योर ट्राई एक्सेप्ट. ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट की करेगी, इट विल कैच द एरर एंड रिकवर फ्रॉम एक्सेप्शंस जेडी की प्रोग्रामर ने या पाइथन इटसेल्फ जनरेट कर दी है. सब तो ज्यादा असि ट्राई और एक्सेप्ट नो ही यूज कर. दूसरी है ट्राई एंड फाइनली, वेदर एक्सेप्शन अकर्स और नॉट इट ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स द क्लीनअप एक्शन. ट्राई फाइनली उस केस यूज कर रहे हैं जिस पता नहीं एक्सेप्शन आ रही है. एक चीज नोट करना, प्रोग्राम बनिया होया प्रोग्राम चल रहा है, जरूरी नहीं एक्सेप्शन आनी, जरूरी नहीं है. मैं कार ड्राइव कर रहा, हाईवे पर ड्राइव कर रहा, मैं लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइव करूंगा, मैं बेल्ट भी लगाऊंगा. अगर मैं बाइक ड्राइव कर रहा तो मैं हेलमेट लगाऊंगा, वो तो आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है. ऐसा तो है नहीं भी तुसी सड़क के सेंटर से जाके ड्राइव करने लग पाएंगे, नो. तुसी ड्राइव कर रहे हो बड़ी सेफ एंड सॉन्ग बिना उसे बिना प्रोग्राम का पर. प्रोग्राम मतलब है नहीं भी एक्सेप्शन आनी आनी है, एरर आनी आना है, प्रॉब्लम आनी आनी है. सो कर आगे अगर आ गई तो असि उसनू उस वे नू हैंडल करने की पोजीशन तो हुई है. तो इस करके ये सारिया स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं. ट्राई फाइनली वेदर एक्सेप्शंस अकर नॉट, एक्सेप्शन होती है आती है या नहीं आती, इन्हें क्लीन अप ऑपरेशन नू अपने आप परफॉर्म करना. असट it triggers an exception conditionally in the code. A exception conditionally handling routine trigger means generate. Raise and manually trigger an exception in the code manually by coding to see ek exception generate kar de aur handling routine generate kar de. Assi inna nu use karange, so try accept to use karange, try finally nu use karange, assert to use karange. हाँ जी, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बट असि सारे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं. मैं जिस दस रहे हैं दैट केड़ी केड़ी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस दा जिहड़े पाइथन दे विच यूज आंदे जनरेट होंगे, केड़े कीवर्ड्स दा जिन्ना दे थ्रू असि उन एक्सेप्शंस नू हैंडल करदे. मैं ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई फाइनली, असर्ट एंड रेज, ए चार दे चार तुहानू एक्सप्लेन करांगा. विद स्लैश एस नहीं करूंगा. Implement context managers in older versions of Python such as this and this. And with an as, which versions which actually use on that, sare versions which use
लेकिन वी विल यूज ट्राई एक्सेप्ट ट्राई फाइनली असर्ट एंड सो हैंडलिंग एक्सेप्शंस जनिया भी एक्सेप्शंस आनी है असि उन्हें किस वे नाल हैंडल करना है फर्स्ट वन इज यूर ट्राई एंड एक्सेप्ट ट्राई एंड एक्सेप्ट एक्सेप्शन का वे ही है क्यों असी मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करना मैं पहले थोड़ी ये बारे इंट्रोडक्शन दस देना जो भी प्रोग्राम है जो भी प्रोग्राम प्रोग्राम लिखे है मैं पता है शायद इस प्रोग्राम एरर है मैं वो शुरू से ट्राई पा दाँगा लास्ट है प्रोग्राम दे एक्सेप्ट पा दा स्टार्ट से ट्राई लास्ट में एक्सेप्ट अगर आया दसा वो ही है मोटरसाइकिल से चलते हो जा एक्टिवा से जाने हेलमेट पा के जाने सेफ्टी इनकेस कोई मिसहैप होए साडा मेन सब तो ज्यादा डेंजरस कैटेगरी होंगी है कैटेगरी नाउ ट्राई एक्सेप्ट भी उसी उसे कंटेक्स्ट से यूज करते हैं असी प्रोग्राम के स्टार्ट ट्राई लिख देंगे लास्ट विच एक्सेप्ट लिख देंगे अगर ड्यू टू वन और अदर रीजन मैं तो ना थोड़ी जी एरर की गल की सिर्फ एक डिवाइड बाय जीरो एरर थोड़ी आंदा है उसी डाटा स्ट्रक्चर पढ़िया डाटा स्ट्रक्चर से स्टैक पढ़िया स्टैक इज द मेमरी एलिमेंट स्टैक की अपनी स्टोरेज कैपेसिटी अगर वो स्टैक है वह 100 आइटम स्टोर कर रहा है जो तुम वो 100 भरती है तो तुम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थोड़े प्रोग्राम में कोई एक होर आइटम स्टोर करने की जगह पे जरूरत पे स्टैक का जगह ही नहीं है दैट इज स्टैक ओवरफ्लो जो एक स्टैक है वो पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस है और वो उन्नी स्टोरेज ही कर सकता है मैं एक एग्जाम्पल ले रहा जरूरी नहीं 100 है हो सकता 1 लाख हो सकता 1 करोड़ भी हो जिन्नी स्टोरेज स्पेस है अगर उस स्टोरेज स्पेस के कुछ चीज स्टोर कर रहे हो और वो भर गया प्रोग्राम थोड़ा चलता पाया थोड़ी ट्रेन चल रही है थोड़ा एयरक्राफ्ट चल रहा है वो टेंपरेरी कुछ वैल्यू नू स्टोर करना चाहता है तो स्टोरेज की जगह ही नहीं है स्टैक ओवरफ्लो हो गया स्टैक ओवरफ्लो हो गया तो प्रोग्राम थोड़ा हैंग कर जाएगा प्रोग्राम थोड़ा हैंग कर जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट सो दिस इज नॉट ए वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्रोग्राम जो रन करते हैं उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ गई हैं और उन्होंने सारी प्रॉब्लम को हैंडल कर ली सा try accept, try finally, assert, raise, with slash as. That को keywords हैं और NNOC use करा. So, आज के lecture दे विच सिर्फ मैं इतना तक ही लूँगा, because today I am going to मैं जो देता था ना सिर्फ introduction देती है, that exceptions की है, and why these exceptions are being used in a program. मैं तो अड़िया program दे चाहिए सारी exceptions क्यों use होनी है, आज के lecture से मैं वही चीज देती है. कल दे लेक्चर दे विच मैं तुहानू ट्राई फाइनली ए जिन्ने कीवर्ड्स है उन्हां दी हल्की हल्की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करके उन्हां दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उन्हां दे नाल रिलेटेड प्रॉब्लम विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज लेक्चर थैंक यू.